राजनांदगांव जिले के डोंगरगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत राका में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत राका में स्वामी विवेकानंद युवा संगठन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन उप स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया। शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें दोपहर 1 बजे तक 35 लोगों ने यहां अपने रक्त का दान किया। वहीं संगठन के सदस्य तुलेश्वर डड़सेना ने बताया कि हमारा लक्ष्य शाम 4 बजे तक 50 से ऊपर करने का है। हमारा उद्देश्य गांव में रक्त की समस्या को ठीक करने का है। इस शिविर में राजनांदगांव ब्लड बैंक की टीम के साथ पहुंचे डॉक्टर विकास रामेश्वर ने बताया कि शिविर में अभी तक 31 यूनिट ब्लड लिया जा चुका है, जो शाम तक 50 का लक्ष्य पार हो जाएगा। ब्लड यहां से गवर्नमेंट मेडिकल जाएगा और जरूरतमंद मरीज जैसे सिकलिंग एनीमिया और भी अन्य मरीजों के उपयोग में किया जाएगा। यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा मंडल के द्वारा बहुत अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और अब तक यहां पर मेरे और सब लोगों के सहयोग से 31 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया जा चुका है और उम्मीद है कि शाम तक यह आंकड़ा 50 को पार कर जाएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये ब्लड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में जाएगा और वहां पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं जैसे सिकलिंग थैलेसीमिया और बहुत सारे जो गांव-गांव से एनीमिया के मरीज आते हैं उनको फ्री दिया जाएगा और जो ज़रूरतमंद है जो एक्सीडेंट और दूसरी बीमारियों से पीड़ित होते हैं उनको ये ब्लड दिया जाता है। यह रक्तदान शिविर स्वामी विवेकानंद समिति द्वारा आयोजित किया गया है। अभी तक सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का एक कार्यक्रम है, इसमें अभी तक 35 लोगों ने अपना रक्तदान कर चुका है। हमारा उद्देश्य 50 से ऊपर करने का है। हमारा उद्देश्य ये है कि गांव में रक्त संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें ठीक करने का और ऐसे आयोजन करते रहने का है।